हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज मैं लेकर आई हूँ हेल्दी वेट लॉस की रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। आज की रेसिपी है दही मखाना चाट। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले एक मिक्सर जार में दो हरी मिर्च ऐड करेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा अदरक, खूब सारा फ्रेश हरा धनिया, 1/4 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा सादा नमक और बर्फ ऐड करके इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो गई है। फिर यहाँ मैंने 20 ग्राम मखाना ले लिया है, इसे फॉक्स नट भी कहा जाता है। मखाने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो इसे आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी को आप गरम होने दें, फिर इसमें मखाने ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर मखानों को चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। मखानों को अच्छा क्रिस्पी कर लेना है, तो लो फ्लेम पर आप इसे अच्छी तरह से भून लें। तो यहाँ पर मखाने भून चुके हैं, इसे भूनने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर मखाने क्रंची हो गए हैं। फिर एक बाउल में 2 कप चिल्ड दही ले लें। इस रेसिपी के लिए आप एकदम फ्रेश दही का ही यूज़ करें। अब एक विस्क की मदद से इसे फेंट लेना है। फेंट कर दही को एकदम स्मूथ कर लेना है। दही फेंट कर एकदम स्मूथ और क्रीमी हो गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच काला नमक ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, इसे भी आप दही में मिक्स कर लें। दही मखाना चाट के लिए हमारा दही रेडी हो चुका है। ये एकदम स्मूथ, क्रीमी और परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है। इसे आप चाहें तो थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा कर सकते हैं। अब इस फिटी हुई दही में मैं रोस्ट किए हुए मखाने ऐड कर रही हूँ। मखानों को दही में बढ़िया से मिला लेना है, जिससे ये दही में पूरी तरह से कोट हो जाए। तो इसे आप हल्के हाथों से मिक्स कर लें। ये मिक्स हो चुका है, चलिए इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर्विंग बाउल में दही और मखाने के मिक्सचर को डाल लेंगे। इस दही मखाना चाट को आप चिल्ड सर्व करें तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। फिर इस पर बनाई हुई हरी चटनी ऐड करेंगे, साथ ही मैं खट्टी मीठी चटनी भी ऐड कर रही हूँ और लास्ट में कुछ अनार के दाने। तो ये लीजिए, बड़ी ही आसान वेट लॉस रेसिपी तैयार है। दही मखाना चाट बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।